और एक पौधा ये अब इस पर फ्लावरिंग आई नहीं है, आने वाली है। इसका नाम है पॉपी और इसके जो फ्लावर होते हैं ना वो रेड कलर, वैसे दो तीन कलर इसमें होते हैं लेकिन रेड कलर्स के ज़्यादातर फ्लावर मेरे पास रहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज का जो वीडियो है हमारा, वो अभी जो विंटर का सीज़न हमारा चल रहा है पौधों का, इस फ्लावरिंग प्लांट स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जिन पर फूल आते हैं, तो इस सीज़न में अभी लगभग 3 महीने का समय बीत चुका है और हमारे जो पौधे हमने ग्रो किए थे अपने आप सीडलिंग से या फिर सैपलिंग हम लेकर आए थे उनसे तैयार हमने किए थे, उन पर अब ब्लूम आना शुरू हो गया है और उन पर जो फ्लावरिंग है वो अच्छी तरीके से आने शुरू हो गई है। क्योंकि अभी तक तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत ज़्यादा ठंड के कारण जो पौधे हैं वो निखर कर नहीं आ रहे थे, उनकी जो फ्लावरिंग थी वो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं हो रही थी, रुकी हुई थी। तो अब जैसे जैसे थोड़ा सा गर्म दिन होने लगा है, बसंत पंचमी का जो फेस्टिवल है हमारा वो चला गया है और अब जो गर्मी है मौसम में थोड़ी सी आने लगी है दिन में, हालांकि रात में अभी भी ठंड होती है। तो इस मौसम में आप अपने जो गार्डन है उसमें कौन से पौधे आप लगा सकते हैं जो अगले 2 महीने तक आपके गार्डन में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में जो बात रहेगी कि आने वाले 2 महीने के लिए आप कौन से पौधे बाई कर सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे मैं ये गजनिया के फ्लावर आपको दिखा रहा हूँ और आप देखकर खुशी भी हो रही होगी कि इतने सुंदर इसके फ्लावर होते हैं। और ये देखिए कई तरह के कलर मेरे पास अवेलेबल हैं, इस तरह से देखिए, ये देखिए ये येल्लो कलर कितना ही बेहतरीन लगता है इसका, बहुत ही सुंदर। और ये वाइट कलर और वाइट के अंदर जो चॉकलेट कलर के इसमें स्पॉट्स होते हैं, और एक और कलर है ये, और एक कलर ये है मेरे पास, ये बैंगनी कलर है थोड़ा सा। तो बड़े प्यारे लगते हैं गजेनिया के फ्लावर। तो ये वाला पौधा अभी लगभग 2 महीने हमारे गार्डन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा और इसका राइट टाइम है अभी अपने फ्लावर गार्डन में लगाने का। और अगर आप अच्छे फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो अभी हेल्दी जो प्लांट्स हैं वो आपको इजीली नर्सरी से मिल जाएंगे, तो ये वाले पौधे आप लगा सकते हैं अभी। दूसरा सिनेरेरिया के पौधे हैं, ये देखिए ये बंचेज में इनके ऊपर फ्लावर आते हैं, पूरा जो पौधा है वो गुलदस्ते की तरह खिल जाता है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मार्केट में आते हैं तो आप सिनेरेरिया को बाई कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा ये यूनिक सा कलर आप देख रहे हैं। और 2 प्लांट मेरे पास ये पर्पल कलर के हैं, एक ये मैरून कलर का प्लांट है, बाकी और कलर बहुत आते हैं इसमें। इसमें फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हुई है और अगले 2 महीने तक इस पर बम्पर फ्लावरिंग आएगी, तो ये वाले पौधे भी आप बाई कर सकते हैं। और अब तीसरे पौधे की हम बात करते हैं, ये पौधा है डेजी का, डेजी का पौधा, इसका जो फ्लावर होता है ना बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर इस पर फ्लावर खिल रहे हैं, और अगर इनको आप एक एज ए गार्डन की तरह से मेंटेन करके लगाएंगे तो इनकी जो खूबसूरती है वो बहुत ही निखर के आती है। तो ये वाले फ्लावर भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, अभी राइट टाइम है, अगले 2 महीने तक फ्लावरिंग पर बहुत अच्छी आएगी। और इस तरह से देखिए अभी इन पर फ्लावर खिलना शुरू हुए हैं, ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर इसका। तो ये वाला फ्लावर प्लांट आप बाई कर सकते हैं, अभी राइट टाइम है अपने गार्डन में लगाने का। और एक प्लांट है पिटूनिया, सदाबहार प्लांट होता है ये पिटूनिया का, इसमें कई तरह से आपको कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं और बहुत सारे कलर्स इसमें आते हैं। ये वाला पौधा भी आप इस महीने अपने गार्डन में बहुत अच्छे से ऐड कर सकते हैं और अगले 3 महीने लगभग अप्रैल तक ये वाला पौधा फ्लावरिंग देता रहेगा इस तरह से। और इसके जो फ्लावर होते हैं पूरा एक पूरा और पौधा पूरा भर जाता है फूलों से। तो ये वाला पिटूनिया का जो प्लांट है ये वाला आप अपने गार्डन में अभी ऐड कर सकते हैं। और इस वाले पौधे को आप
कई तरह से लगा सकते हैं, जैसे मैंने देखिए हैंगिंग में अपनी लगाए हुए हैं, तो हैंगिंग बास्केट्स के लिए भी बहुत अच्छा पौधा है ये। तो इस तरह से आप अपनी बास्केट्स में इसको ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। और ये मैक्सिकन पेटोनिया इसको बोलते हैं, कलर बहुत सारे रहते हैं इसमें, तो आप नर्सरी से ये भी बाई कर सकते हैं और अगले 2-3 महीने तक इसके जो फूल रहेंगे वो पूरे बंचेज में रहेंगे, तो ये भी आप लगा सकते हैं। और एक पौधा रहता है डाइंथस का, डाइंथस में कई सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। और मेरे पास ये देखिए, ये डार्क रेड है और ये थोड़ा सा पिंक कलर है, लाइट पिंक है, और अलग अलग कलर इसमें आते हैं। तो ये वाला पौधा वैसे तो 12 महीने आप अपने गार्डन में रख सकते हैं, इसकी अगर केयर आप गर्मियों में थोड़ी सी कर लेंगे तो ये पूरे 12 के 12 महीने आपके गार्डन में रहेगा। ये पौधा भी आप अभी बाई करके अपने गार्डन में अगर लगाएंगे तो अगले 3-4 महीने तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस पर रहती है, और वैसे ये परमानेंट प्लांट भी माना जाता है। और एक पौधा, ये अभी इस पर फ्लावरिंग आई नहीं है, आने वाली है, इसका नाम है पॉपी। और इसके जो फ्लावर होते हैं ना वो रेड कलर, वैसे 2-3 कलर इसमें होते हैं लेकिन रेड कलर्स के ज़्यादातर फ्लावर मेरे पास रहते हैं हर साल। और इसका जो फ्लावर खिलेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कागज़ का फूल हो, मतलब आपको देखने में लगेगा ही नहीं, इतना प्यारा और इतना सुंदर फूल होता है इसका। और मेरे पास ये, मैंने 2-3 साल पहले इसके प्लांट लगाए थे और उसके बाद मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हर साल इन ये पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। और इस बार भी मेरे गार्डन में हर जगह जिधर भी देखें पॉपी के जो प्लांट है वो उगे हुए हैं, ये देखिए इधर भी हैं और ये बहुत सारे उग गए इधर भी, और ये देखिए ये मेरा लेमन का प्लांट है, इसके अंदर भी उगे हुए हैं। तो इसकी जो फ्लावरिंग रहती है ना वो लगभग मई तक रहेगी। और ये वाला प्लांट भी आप अगर चाहें तो, इसको खसखस भी बोलते हैं शायद, तो ये वाला भी आप अगर आपको नर्सरी में मिलता है तो लेकर ज़रूर आना। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये फूल रहेगा ना, आप अगर आपके पास अभी तक नहीं है एक, तो आपको इतना आनंद आएगा फूल देखकर, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए जैसे इस तरह से ये नीचे को मुड़ी हुई है तो ये 3-4 दिन लेगा खिलने में, लेकिन जैसे इसकी जो स्टेम है वो अगर सीधी हो गई तो मतलब ये अगले 1 से 2 दिन के अंदर खिल जाएगा। तो ये एक और फ्लावर का प्लांट पॉपी, ये भी आप लगा सकते हैं। और ये वाला जो प्लांट है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट में से है, इसको पेंजी बोलते हैं। और पेंजी का जो प्लांट होता है, इसके जो फूल होते हैं ना उनकी खूबसूरती आप देखिए कितने प्यारे लगते हैं इसके फूल। और इसमें कलर देखिए मेरे पास कितने हैं, डार्क मैरून है, पर्पल वाइट है, येल्लो है, और ये देखिए ये एक दूसरी शेड है पर्पल और वाइट की है ये, और ये येल्लो और डार्क चॉकलेट कलर है ये, और एक ये पर्पल है, बहुत सारे कलर इसमें रहते हैं। तो ये मेरा फेवरेट प्लांट में से है, विंटर्स के जो फ्लावर होते हैं उनमें। तो ये वाला पौधा अगर आप अभी लगाएंगे तो अगले 2 महीने इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग रहती है। और मैंने आप देखिए एक एक पॉट में 3-3 प्लांट को लगाया हुआ है और अब इन पर ब्लूम आना चालू हुआ है, मतलब इन पर फ्लावरिंग अब शुरू हुई है। तो अगले 2-3 महीने इसकी फ्लावरिंग बहुत बढ़िया रहेगी और ये वाला पौधा भी आप लगा सकते हैं। और ये पौधा है वर्बीना का, वर्बीना भी अगर आप चाहें तो अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वैसे ये वाला पौधा परमानेंट प्लांट है, अगर इसकी गर्मियों में केयर आप करें ये परमानेंट आपको ऐसी फ्लावरिंग देते रहेंगे। तो ये वाला पौधा भी अभी लगा सकते हैं आप 2-3 महीने अगर अच्छी फ्लावरिंग आप चाहते हैं तो। और एक पौधा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये रेनिकुलस के प्लांट हैं। और ये वाले प्लांट जो आप 4 देख रहे हैं ये मैंने ग्रो किए थे छोटी सी सैपलिंग से, और इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी धीमी चल रही है लेकिन ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी है, और प्लांट जो है वो बूसी हो गए बिल्कुल। और इन पर अभी फ्लावरिंग आने का टाइम है, 10-15 दिन में इन पर फ्लावरिंग आएगी। तो ये वाले जो फूल रहते हैं ना वो बड़े प्यारे रहते हैं, और रेनिकुलस का जो फ्लावर है ना वो बहुत अच्छा दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी दूँगा, बड़ा प्यारा फ्लावर होता है रेनिकुलस का। तो ये वाला पौधा अगर आप चाहें, थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, तो आप अपने गार्डन में अभी ला सकते हैं इसको, लगा सकते हैं और अगले 2 महीने तक इसकी जो फ्लावरिंग है वो रहेगी।
और एक ये पौधा है, ये जेरेनियम का प्लांट है। जेरेनियम का प्लांट वैसे तो परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन इसके जो फ्लावर होते हैं वो अब फरवरी से जनवरी से शुरू होकर और मार्च अप्रैल तक इसके खिलते हैं। उसके बाद ये पौधा हालांकि डेड नहीं होता है, आप अपने गार्डन में इसको रख सकते हैं ऐसे ही, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अभी बाई करके इसके फ्लावरिंग का एंजॉय ले सकते हैं। और एक और प्लांट है, ये देखिए, इसको आइस प्लांट बोलते हैं। ये जनवरी के मंथ में ही आता है और जनवरी के मंथ में ही आएगा, तो इस पर जो फ्लावरिंग है वो फरवरी में और आएगी, और इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी रहती है। लगभग 2 महीने तक फ्लावरिंग इसकी बहुत बढ़िया चलेगी। तो ये वाला पौधा भी आप अगर चाहें तो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा समय है इसको अपने गार्डन में लगाने का। और एक प्लांट और है मेरे पास, इसका मुझे हालांकि नाम नहीं पता है, लेकिन इस पर फ्लावरिंग अभी शुरू होने वाली है। और ये मैं पिछले साल भी मैंने लगाया था अपने गार्डन में, और इस बार भी मैं लगाया था सीडलिंग से। तो ये सीडलिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है, और इस प्लांट की आप ग्रोथ देखिए कितनी है। लगभग इसकी जो हाइट है वो अभी 4 फीट के आसपास है, और इस पर फ्लावरिंग अभी शुरू होने वाली है, बड्स इस पर आई हुई हैं। और इसको गजरे का, जो गजरे में लगाते हैं ना माला जो बनती हैं शादी वगैरह में, जो वरमाला होती है वो भी बनती है, तो ये वो वाला फूल है। मुझे कमेंट करके बताना कि इसका नाम क्या होता है, मुझे नाम नहीं पता है इसका। तो ये वाला भी अगर आपको इस महीने अपने गार्डन में लगाना है तो आपको ये मिल जाएगा नर्सरी से। और ये वाले जो फूल रहते हैं ना वो बहुत लंबे टाइम तक फ्लावरिंग देते रहेंगे, अप्रैल मई तक भी फ्लावरिंग देते हैं ये। तो अगर ये चाहते हैं आप अपने गार्डन में लगाना तो बहुत ही अच्छा रहता है इस महीने लगाने के लिए। और मेरे पास इसके कई सारे पौधे हैं और इनकी जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इस तरह से मैंने आपको कई सारे पौधे ऐसे बताए हैं जो आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं इस महीने, और अगले मार्च अप्रैल तक इनकी जो फ्लावरिंग है वो आपको देखने को मिलेगी, और आपकी जो गार्डन है वो बहुत अच्छा हरा भरा रहेगा। और एक पौधा और है जो मैं भूल गया था आपको दिखाना, वो भी मैं दिखा देता हूँ। और ये पौधा है प्रेमुला का। ये वाले पे अभी लेट में फ्लावरिंग शुरू होती है, तो मेरे पास मैंने सैपलिंग इसकी लगाई थी और धीरे धीरे इनकी ग्रोथ चल रही है, फ्लावरिंग इन पर आ गई है अब, और ये ऐसे ही लगभग 2 महीने इनकी फ्लावरिंग रहेगी। तो ये वाले पौधे अगर आप चाहते हैं अपने गार्डन में ऐड करना तो अभी कर सकते हैं, और इनकी फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा कॉस्टली रहता है ये पौधा, तो अगर आप ये अपने गार्डन में अभी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगले 2-3 महीने फ्लावरिंग बहुत अच्छी रहेगी इस पर। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।